ये सुबह से इसी स्पीड में बारिश हो रही है, और ये सिर्फ आज की बात नहीं है, ये आज फ्राइडे है तो ट्यूसडे वेंसडे तक सेम वेदर बता रहा है, सेम जो है फोरकास्ट है वेदर की, पांचों दिन बारिश है। काफ़ी दिनों के बाद कनाडा का मौसम जो है अच्छा हुआ है, 7-8 टेम्परेचर है और सनी डे है, बड़ा खूबसूरत किस्म का। कल से फिर बारिशें हैं यहाँ पे, तो मेरे सामने अभी कैलिफोर्निया सैंडविचेज है और चलते हैं वहाँ के फ्राइज़ लेते हैं, आपको दिखाता हूँ वहाँ के फ्राइज़ कैसे होते हैं। तो फ्राइज़ ले लिए हैं मैंने, अब पहले कैलिफोर्निया सैंडविचेज़ के फ्राइज़ आज तक कभी ट्राई नहीं किया, ट्राई करके देखते हैं कि इनके फ्राइज़ कैसे हैं। अच्छा, तो क्वांटिटी देखते हैं कैसी है, क्वांटिटी आप देख सकते हैं, क्वांटिटी तो अच्छी है, अब लग भी अच्छे रहे हैं, खा के देखते हैं कैसे हैं भाई। वाह, ज़बरदस्त, मज़ा आ गया। अभी तक अगर आप लोगों ने कैलिफोर्निया सैंडविचेस के फ्राइज़ ट्राई नहीं किया ना मेरे भाई, कुछ भी ट्राई नहीं किया, मैंने हर जगह के फ्राइज़ ट्राई किए हैं, हर जगह के, आज तक कैलिफोर्निया सैंडविच जैसे फ्राइज़ मैंने नहीं खाए। जो जो ये वीडियो देख रहा है आप लोग भी बताएं कि आपने अब तक सबसे बेस्ट फ्राइज़ कहाँ के खाए हैं, और एक दफ़ा कैलिफोर्निया सैंडविच के फ्राइज़ भी ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही मज़े के गर्मा गर्म क्रिस्पी फ्राइज़ हैं यार, मज़ा आ जाएगा आपको। कनाडा का मौसम इतना गंदा है, अब देखो आप मई लग चुके हैं ऑलमोस्ट, पाकिस्तान में देखो अच्छी खासी गर्मी स्टार्ट हो गई है, एसी चल पड़े हैं, लेकिन कनाडा में अभी तक ठंड है, आप जैकेट उतार नहीं सकते, ऊपर से ये बारिश देखो, ये सुबह से इसी स्पीड में बारिश हो रही है, बारिश हो रही, इतनी ठंड हवा चल रही है इतनी तेज़, जैकेट आप उतार नहीं सकते, अब हालत देखो क्या है। और ये सिर्फ आज की बात नहीं है, ये आज फ्राइडे है तो ट्यूसडे वेंसडे तक सेम वेदर बता रहा है, सेम जो है फोरकास्ट है वेदर की, पांचों दिन बारिश है हवा के साथ। यहाँ का मौसम कभी ठीक नहीं होता, चाहे जून है जुलाई है, आपको पूरा साल यहाँ पे जैकेट पहननी ही पड़ेगी, ये कनाडा है, यहाँ का मौसम ऐसे ही होता है, एक टाइम पे आप थक जाते हो, लेकिन यहाँ का मौसम ठीक होने का नाम लेता। अभी आज फ्राइडे है और बारिश हो रही है, और ये बारिश अगले 4 दिन तक, ये वेदर ऐसे ही रहे अगले 4 दिन तक, ये वेदर जो है ऐसे ही रेनी वेदर रहने वाला है, ट्यूसडे वेंसडे तक वेदर फोरकास्ट जो है वो बारिश ही बता रहा है फुल टाइम। अच्छा, तो मैं तो गाड़ी में आ गया हूँ यार, बाहर का मौसम बहुत ही ख़राब है, ये सुबह से नॉन स्टॉप जो है यहाँ पे बारिश हो रही है। अच्छा, आज बात करते हैं कि आज मैं आपको बताता हूँ कि ऊबर ड्राइवर्स कैनेडा में कितना अर्न कर सकते हैं, कितना अर्न करते हैं कैनेडा में। तो मेरे भाई, अगर आप लोग फुल टाइम ऊबर करना चाहते हो तो फुल टाइम ऊबर, मैं कभी नहीं कहूँगा कि आप फुल टाइम ऊबर करो, क्योंकि ऊबर जो है वो पार्ट टाइम बेस्ट है, फुल टाइम आप सोचना भी मत यहाँ पे, क्योंकि एक तो ये है कि अगर आप पार्ट टाइम ऊबर करोगे तो शाम 7 से लेकर 11 बजे तक या 6 से 10 बजे तक अगर आप 4 घंटे ऊबर करते हो, ऊबर ईट की बात करो, तो आप $70 तक बना सकते हो उसमें 4 घंटों में। अगर आप ऊबर राइड करते हो तो आप इससे ज़्यादा बना लोगे 4-5 घंटों में। ऊबर ईट में जो है थोड़ी बहुत ही जो मुश्किलात पेश आती हैं वो जो है मेनली ये होती हैं कि यहाँ पे मोस्टली टोरंटो साइड पे हो गया या मिसिसागा साइड पे, यहाँ अपार्टमेंट ज़्यादा होते हैं। अगर आप ऊबर ईट करते हो तो आपको अपार्टमेंट क्योंकि ऑर्डर मिल जाता है, तो वहाँ पे पार्किंग का बहुत इशू होता है, पार्किंग नहीं होती, आपको पार्किंग ढूंढ के लगानी पड़ती है अगर सही पार्क नहीं की। कई दफ़ा रोड पर भी अपार्टमेंट्स बने होते हैं, बिल्कुल पार्किंग की जगह नहीं होती, तो आपको टिकट लग सकती है। दूसरा ये है कि उसमें ये इशूज़ आते हैं कि जो जिसको आपने ऑर्डर डिलीवर करना है, कस्टमर जो है आपका, वो बैठा होता है कभी 50वें फ्लोर पे, कभी 40वें फ्लोर पे, वो नीचे नहीं आएगा, आपको ही ऊपर जाना पड़ेगा। तो ये थोड़े से इश्यूज हैं जिसकी वजह से मोस्टली लोग ऊबर ईट से भागते हैं और ऊबर राइड जो है उसको प्रेफर करते हैं। अच्छा, तो इसके अलावा ऊबर जो है मोस्टली जो है ना, ऊबर ईट या ऊबर जो भी है, वेदर कंडीशन पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर बाहर बारिश है तो काम तेज़ होगा, अगर बाहर जो है स्नो पड़ रही है, स्नो स्टॉर्म आया हुआ है, तो काम इतना तेज़ होता है कि आप ऊबर ईट, आप ऊबर राइड छोड़ें, आप 2-3 घंटों में ऊबर ईट पे $100 बना सकते हैं, 3 घंटों में ऑलमोस्ट $100 बना सकते हो। ऊबर राइड करोगे तो उससे ज़्यादा ही बन जाता है।
तो ये जो है ऊबर के, जो ऊबर की हालात हैं कनाडा में, मोस्टली विंटर्स में ऊबर बहुत, यानी कि नवंबर दिसंबर में अगर आपने ऊबर करनी है ना, तो आप बहुत ही अच्छा पैसा बनाते हो। लोग नवंबर दिसंबर में जो है खूब ऊबर करते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा बनाते हैं, क्योंकि क्रिसमस के दिन होते हैं, काम बहुत तेज़ होता है, उसके अलावा इनकी डील्स निकली होती हैं, इनके पैकेजेस निकले होते हैं, आप इतनी राइड्स जो है आपको एक ऑफ़र दे दी जाती है कि आप इतनी राइड्स कंप्लीट करोगे महीने में। जैसे अभी लास्ट ईयर इन्होंने निकाला था, हाँ तो लास्ट ईयर इन्होंने निकाला था कि आप वन मंथ में अगर 200 डिलीवरियाँ कंप्लीट करोगे तो आपको आई थिंक मिलेंगे $1,000, अगर आप 300 डिलीवरियाँ जो है कंप्लीट करोगे तो आपको 3,000 तक ये लोग दे रहे थे इतनी। और जो लोग फुल टाइम ऊपर उस टाइम में करते हैं वो इतनी डिलीवरियाँ ईजिली कम्प्लीट कर लेते हैं। तो उसके बाद जनवरी से लेकर अप्रैल के एंड या मई तक ऊबर बिल्कुल डेड हो जाता है, बिल्कुल डेड। यानी कि अगर आप सारा सारा दिन भी लगाओगे ना, आप मुश्किल से $70-$80 बना के जाओगे। ऊबर इतना जो है बिल्कुल बेकार हो जाता है, बिल्कुल स्लो हो जाता है। और फिर जो है समर में काम थोड़ा सा तेज़ होता है, जून जुलाई के बाद, या जून जुलाई में काम तेज़ होना शुरू हो जाता है। मोस्टली अगर आप ऊबर करते हो तो आप दिन, अगर डे टाइम को करोगे, डे टाइम में करोगे तो आपको ज़्यादा पैसे मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू नाइट। रात को जो है काम ज़्यादा कम हो जाता है बिल्कुल जनवरी के बाद। तो ये कुछ मेन चीज़ें हैं। अगर आप लोगों ने ऊबर करना है तो इस वीडियो को ज़रूर देखें और शेयर भी करें और लाइक भी ज़रूर करें। मैं निकला था बाहर कॉफ़ी लेते हैं, कॉफ़ी लेने निकला, सोचा आप लोगों से बातें कर लूँ, कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं और चलते हैं। फिर आप लोगों ने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे दोस्त जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक भी करो और कमेंट करके मुझे। अच्छा कॉफ़ी मैंने ले ली है, आप लोग देख सकते हो टीम हॉर्टन की। एक्चुअली कनाडा में क्या होता है कि टीम हॉर्टन की कॉफ़ी जब तक आप लोग नहीं लोगे ना, ना आपका दिन शुरू होगा ना आपकी रात ख़त्म होगी। ये एक किस्म का यहाँ पे जो है ना टीम हॉर्टन का नशा है। तो चलते हैं, मैं निकलता हूँ, आपसे फिर बात होगी किसी और टॉपिक पर किसी और दिन। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अच्छा कनाडा की सबसे ज़्यादा खूबसूरती की बात यह है कि यहाँ पे आप क्लाउड्स अगर आपको नज़र आ रहे हैं इस वीडियो में, देखें आप इतना नीचे होते हैं कि यार आप समझोगे कि आप हाथ लगा के इनको पकड़ लो, आपके सर के ऊपर से गुजर रहे होते हैं बादल। एक कनाडा की जो है ना खूबसूरतियों में से ये खूबसूरत सबसे अच्छी बात है कनाडा की। इवन अगर आप यहाँ का कभी चाँद भी देख लो ना, आप इतना बड़ा आपको चाँद नजर आएगा जब फाइनल होगा तो आप देख के डर जाओगे, कहोगे यार ये क्या चीज़ है, जैसे फुटबॉल का साइज़ का चाँद आपको नज़र आएगा। तो ये कनाडा की सबसे जो है खूबसूरत और जो है अच्छी बातों में से एक बात है। और यहाँ का अगर आपने समर, यहाँ का चाहे समर है चाहे विंटर है, अगर आपने सनसेट और सनराइज़ नहीं देखा तो कुछ भी नहीं देखा। कनाडा की जो सनराइज़ और सनसेट बहुत ही फेमस है वर्ल्ड में, इतने खूबसूरत कलर होते हैं पर्पल ऑरेंज के, देखने वाला बस देखता ही रह जाता है। अभी मैं आपको दिखा दूँगा, अगर आपको ये क्लाउड सही से नज़र आ रहे हैं इस वीडियो में। एकदम फ्रेश एयर यार, फ्रेश एयर जिसको कहते हो ना, फ्रेश एयर है यहाँ की, बिल्कुल क्लीन और फ्रेश एयर। बारिश की आवाज़ सुनने में बहुत ही अच्छी लगती है।